بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ आज मुसनद इमाम आज़म का सबक नंबर 56 है और इस सबक के अंदर हम नमाज फजर में क़ुनूत का मसला तफ़सील से पढ़ेंगे अजीज तलबा गुज़िश्ता सबक में हमने जो है वो सजदे में जाने का तरीक़ा और इसी तरह सजदा करने का क्या तरीक़ा है इन दो मसाइल की तफसील पड़ी थी और ये हमने हदीस पढ़ी थी कि सात अज़ा पर जो है वो सजदा किया जाता है जिनमें से दो पाँव दो हाथ पेशानी और दो घुटने शामिल हैं तो इसमें यह हदीस नंबर 112 है जिसमें कुत्ते की तरह नमाज में बैठने से मना किया गया है ये हदीस रह गई थी तो आज पहले हम इस हदीस का तर्जुमा और तशरी पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है फिर हम आ, नमाज में कनूत के मसले की तफसल पढ़ेंगे अब हनी फत जबन सुहा अबिन कला रसूल सल्हुआस तरिशरा आई ही अफ्तराश अल कल हजरत अब्दुल्लाबन रजीम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया जो शख्स नमाज पढ़े तो अपने बाजू कुत्ते की तरह न फैलाए ऐसे न बैठे सजदे में जिस तरह कुत्ता बैठता है तो यहाँ पर आप सल्लाम ने नमाज में कुत्ते की तरह बैठने से मना किया है इसकी वजह यह है इस तस्वीर का मकसद ये है कि इस कैफियत की जो है वो नफी की जाए उसकी मजम्मत की जाए क्योंकि ये सुस्ती की अलामत है जिस तरह कुत्ता दोनों पाओ को जो है पिछले दोनों पाओ पे बैठ जाता है और दोनों आगे के दोनों पाओं को खड़ा रख के बैठ जाता है इस तरह सजदे में बैठने से आप अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया क्योंकि सुस्ती की अलामत है और सुस्ती अल्लाह तला को पसंद नहीं है क्योंकि सजदा ऐसी चीज है जो कि सात आजा पर होता है और इंसान जो है वो अपनी इंतहाई आजी की हालत में होता है सजदे की हालत में और अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो सजदा रेज होता है अपने जो है वो पेशानी के साथ अपनी मुआज़ज़ चीज को टेक रहा होता है तो वो गफलत में न करे सईदा इसलिए आप अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है बयान आदमिलकनूतफिलफजर

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर में कभी भी जो है वो दुआ कुनूत नहीं पढ़ी इल्ला पड़ी वाहिदन मगर ये के एक महीना लम लमयल का वाला बद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न इससे पहले कभी जो है वो कुनूत पढ़ते देखा और न इसके बाद यदु नासिमर मुशरकना आप जो है वो मश्रकिन के कुछ लोगों को बददुआ दे रहे थे उस कुनूत के अंदर बददुआ कर रहे थे उनके लिए

सिर्फ चालीस दिन कुनूत पड़ी है जिसमें उसैया और जकवान पर जो है वो बदवा की है उनके खिलाफ उसैया और जकवान को बदवा फरमाते थे सुमलूत अला फिर आपने अपनी वफा तक कुनूत नहीं पड़ी अजीज तलबा इन रिवायात में कुनूत नाजला का बयान है ख़ुत नाजला नमाज फजर में दूसरी रकत के रुकू के बाद खड़े खड़े किसी मुसीबत या नागहानी आफत में उससे बचाओ की दुआ मांगना जो है इसको ख़नूत नाजिला कहा जाता है यानी कोई मुसीबत या नागहानी आफत आ जाए तो उस सूरत में जो है जैसे कोई जंग मसलत हो जाए या कोई और मुसीबत आ जाए कहात पड़ जाए या फिर बारिशें रुक जाए कुछ भी इस तरह की मुसीबत आ जाए तो उस सूरत में नमाज फजर की दूसरी रकत में रुकू करने के बाद जब इमाम खड़ा हो तो उस वक्त जो है वो दुआ मांगना उसाफत से बचने की उसाफत से निकलने की इसको कनूत नाजिला कहा जाता है ये सुन्नत से साबित है आप अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्नूत नाजिला पढ़ी है लेकिन इसमें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए जो जो है वो मुख्तलिफ किताबों में क़नूत नाजिला की दुआ के तौर पर मनकूल है वही दुआएं पढ़ना जरूरी है या नहीं तो इस बारे में यह है कि कनूत नाजिला में हालात हाज़रा को पेश नज़र रखते हुए जो भी दुआ हो वो आप पढ़ सकते हैं लेकिन यह है कि वो अरबी में होनी चाहिए क्योंकि दुरान नमाज अरबी के अलावा कोई कोई और जुबान जो है वो इस्तेमाल करना या किसी और जुबान में कुछ पढ़ना नमाज को फासद कर देता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक कुनूत नाजिला पढ़ी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मश्रिकी ने मक्का के नाम ले लेकर उनके खिलाफ बद फरमाई है तो इस तरह जो है वो आप अलैहि वसल्लम से ये साबित है कुनूत नाजिला पढ़ना लेकिन फोकहा का इसमें इख्तिलाफ़ है कि नमाज फजर में कनूत जो है वह हमेशा पढ़ी जाएगी या फिर मुसीबत के दिनों में पढ़ी जाएगी तो इमाम मालिक और इमाम शाफी रम्ल तरमाते हैं कि नमाज फजर की दूसरी रकत में पूरा साल जो है वो कनूत पढ़ना मशरू है यानी पूरा साल इमाम जो है वो उसमें कनूत पढ़ सकता है नमाज फजर की दूसरी रकत में अनाफ और हनाबिला का मज़ब यह है कि आम हालात में तो कनूत साबित नहीं है अलबतः मुसीबत के दिनों में जो है वो कनूत पढ़ना मशरू है कि अगर कोई मुसीबत आ जाती है मुसलमानों पर कोई नागहानी मुसीबत आ जाती है कोई आफत आ जाती है तो उस सूरत में क़नूत नाजिला पढ़ना जो है वो मशरू है नमाज फजर में उनके लिए जिन मुसलमानों पर मुसीबत आई है उनके लिए दुआ की जा सकती है अहनाफ़ की दलील इबन मसूद रजील् तू की रिवायत है जो कि अभी मतन में गुजरी है जिसका तर्जमा हमने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक माह तक कनूत फजर कनूत फजर की नमाज में पढ़ी है इसके अलावा जो है वो कभी भी आपने क्हूत कनूत जो है वो नहीं पढ़ी दुआ कनूत नहीं पढ़ी यानी जो कनूत नाजिला है वह नहीं पढ़ी तो ये जो रिवायत है इस रिवायत से ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक महीना क्नूत नाजिला पढ़ी थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन और रुअसए मक्का के लिए जो है वो नाम ले लेकर बदवा फरमाई थी तो इस वजह से सिर्फ एक महीना आपने पढ़ी है तो इस वजह से अहनाफ फरमाते हैं के दुआ कनूत जो है वो या कनूत नाजिला जो है वो हमेशा नहीं पड़ी जाएगी बल्कि मुसीबत के दिनों में ये मशरू है अगर किसी पर कोई मुसीबत आ पड़ती है मुसलमानों पर तो वो उससे बचाव की के लिए दुआ पढ़ सकते हैं नमाज फजर में और अगर किसी और जगह किसी पर कोई मुसीबत मुसलमानों पर आ रही आ गई है तो दूसरी जगह के मुसलमान उनके लिए भी दुआ दुआत या कनूत नाजिला पढ़ सकते हैं फजर की नमाज में और उनके लिए उससे बचाव की दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से उससे बचाव की जो है वो पनाह मांग सकते हैं इमाम मालिक और इमाम शाफी राहुल तलील हज़रत बरा उज रजी अल्लाह तु की, की हदीस है जिसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और मगरब में कुनूत पढ़ी है तो इसमें मग़रब का भी जिक्र है तो इस वजह से वो फरमाते हैं कि जिस तरह फजर में कुनूत पड़ी जा सकती है इसी तरह जो है वो मगरिब मगरब में भी आपने पढ़ी है तो इसका मतलब यह है कि वो पूरा साल पड़ी जा सकती है तो लिहाजा सिर्फ मुसीबत के दिनों का यहाँ जिक्र नहीं है बल्कि यह है कि आपने फजर और मगरिब में कनूत नाजिला पड़ी है तो इससे साबित होता है कि कभी आपने जब फजर का जिक्र तो वही हुआ जो इबन मसूद रजी की हदीस में है कि आपने एक महीने तक कनूत पढ़ी, इसके अलावा आपने कभी मगरब में भी पढ़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि खनूत जो है वो पूरा साल पढ़ी जा सकती है लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने खनूत नाजिला किसे कहते हैं और इसी तरह नमाज फजर में कूनूत का जो मसला है उसकी तफसील पड़ी है मामले कोशाफी के यहाँ पूरा साल जो है वो कनूत पढ़ना मशरू है जबकि अहनाफ और हनाबिला के यहाँ आम हालात में कनूत पढ़ना साबित नहीं है अलबत् मुसीबत के दिनों में कनूत पड़ी जा सकती है आखिर में आपसे दो सवाल है नंबर एक कनूत नाजिला का क्या मतलब है नंबर दो अहनाफ के यहाँ नमाज फजर में कनूत पड़ी जाएगी या नहीं पड़ी जाएगी इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वा